श्री मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो आप बाद में बताना, पहले आप ताश के पत्ते और कच्ची बियर लेकर आइए। अरे पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए, ऐसी तो कौन सी इम्पोर्टेंट बात है। मैं क्या बोल रहा था कि सभी की शादी हम अपने रजत से करवा देते हैं। क्या आप उस झगड़खोर की बेटी के बारे में बोल रहे हो? हाँ मैं भोंसले फैमिली की बात कर रहा हूँ। आप पागल हो गए हो, आपके दिमाग में ऐसी बात आई भी कैसे? आप जानते नहीं उनकी फैमिली ने हमारे साथ क्या क्या किया है, और उस सभी की वजह से ही तो हमारी बेटी सही आज हमसे इतनी दूर है, और आप उसे ही हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो। देखो श्री सवी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और वो हमारी बेटी सई का कितना ख्याल भी रखती है। सोचो अगर वो पड़ोसी होकर उसका इतना ख्याल रखती है, तो अगर उसकी माँ बन जाएगी तो उसका कितना ख्याल रखेगी। सई का तो ख्याल रख लेगी, लेकिन आपने देखा नहीं रजत और उसके बीच में कैसी बनती है? दोनों आमने सामने आते ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे झपड़ पड़ते हैं जैसे कुत्ते को देखकर बिल्ली। इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम अपने रजत से बात करो, और तुम उसे समझाओ कि तुम सवी से शादी कर लो, और अगर एक बार रजत सवी से शादी कर लेगा तो सई की कस्टडी भी रजत को आसानी से मिल जाएगी, वरना सई को उसकी माँ आशिका ले जाएगी। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, आने दो रजत को, मैं आज उससे इसके बारे में बात करती हूँ। रजत मुझे एक तरीका पता चल गया जिसकी वजह से सई की कस्टडी हमें मिल सकती है। ऐसा तो कौन सा तरीका पता चल गया आपको? तू ना शादी कर ले। अब ऐसे ही मैं किसी लड़की से कैसे शादी कर लूँ? अरे ऐसे ही किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, वो भोंसले फैमिली में नहीं है क्या? सभी उसकी बात कर रही हूँ। मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो? आपने देखा नहीं जब भी सभी मेरे सामने आती है तो वह कैसा बिहेव करती है? मेरे से वो शादी क्या खाक करेगी? मुझे पता है सभी तेरे लिए तो शादी नहीं करेगी, लेकिन वो सई की खातिर तेरे से जरूर शादी कर लेगी। मुझे तेरे पापा को उनके पास भेजना चाहिए बात करने के लिए। असली मुद्दा तो अब आने वाला है। यहाँ पे जो रजत के पापा हैं और जो शांतनु, वो सभी और जो रजत की शादी का फैसला लेने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड अब सीरियल में आने वाला है, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों को लग रहा था कि सभी और रजत की शादी कभी भी नहीं हो सकती इन दोनों की लड़ाई को देखते हुए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रजत भी मजबूर है और रजत की फैमिली भी मजबूर है, और इसके चलते यहाँ पे सही के चलते जो है रजत के पापा वो जाएंगे शांतनु के पास और उनसे बात करेंगे सभी और रजत की शादी के बारे में, जिसके बाद रजत के पापा क्या कहेंगे, सॉरी शांतनु क्या कहेंगे, वो जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शांतनु तो एक बार तो मना ही कर देंगे, क्योंकि उनको भली बात ही पता है कि रजत और सभी का मिलन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर ऐसा ही चलता रहा और इन दोनों की शादी करा दी गई तो मेरी सभी यानी कि सभी की जिंदगी वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। इसके चलते जो शांतनु कभी भी नहीं मानने वाले हैं, लेकिन आखिरकार में जो श्री भाग्यश्री होती है रजत की मोम, वो जाती है और उनको समझाती है, जिसके बाद से क्या होगा आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो गाइस सीरियल में होगा ये कि जो रजत के मोम और डैड है वो दोनों साथ में पत्ते खेल रहे होंगे, और अचानक से जो है रजत के पापा वो भाग्यश्री से बोलेंगे कि मेरे पास एक आइडिया है सई की कस्टडी को अपने पास लेने का, जिसके बाद जो है भाग्यश्री बोलेगी कि बताइए आपके पास क्या आइडिया, जिसके बाद जो है रजत के पापा वो बताएंगे कि ये आइडिया ये है कि हमें रजत और सभी की शादी करवा देनी चाहिए, और ये सुनते ही भाग्यश्री चौंक जाती है और वो बोलती कि आपको दिमाग तो खराब नहीं कि हो गया है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उस झगड़खोर की बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बाद में जो रजत के पापा है उसे आराम से समझाते हैं कि देखो सई के लिए सभी से अच्छी माँ कभी कहीं नहीं मिलेगी, और तुम्हें भी पता है कि सभी कभी माँ नहीं बन सकती, अगर सभी इस घर की बहू बनती है तो वो अच्छी तरीके से सई का ख्याल रखेगी, और हम रजत के साथ अब कब तक रहेंगे, हमें भी तो एक ना एक टाइम पर जाना ही होगा, लेकिन सई सभी ही सई के लिए सही जिम्मेदारी रहेगी, सही उसके लिए सही रहेगी, और वो उसको माँ के माँ का प्यार भी दे पाएगी, क्योंकि सभी कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए तो अब यहाँ पे जो भाग्यश्री है पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में जो है रजत के पापा उसे आराम से बैठकर समझाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो भाग्यश्री वो समझ जाती है और रजत के पापा को बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि रजत और सभी की शादी करवा देंगे, लेकिन उनकी फैमिली यानी कि भोसले फैमिली को कैसे समझाएंगे। इसके बाद रजत के पापा कहते हैं कि ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, पहले तुम्हें अपने बेटे रजत से बात करनी पड़ेगी। इसके चलते रात में जब अमन और रजत घर आते हैं तो जो शांत सॉरी जो होती है भाग्यश्री वो बात करती है अपने बेटे रजत से और शादी के बारे में, तो रजत बोलता है कि आप पागल तो नहीं हो गए हो मोम, आपने देखा नहीं है सभी मेरे साथ कैसा बिहेव करती है, मैं जब भी उसके सामने आता हूँ ऐसा लगता है जैसे उसके आंखों से अंगारे निकल रहे हो, तो मेरी और उसकी जोड़ी कभी भी परफेक्ट नहीं बैठ सकती, हालांकि वो सही से प्यार करती है लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। इसके चलते जो है जो भाग्यश्री रजत को समझाएगी कि तू बावला
मत हो, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, अगर तूने सवि से शादी कर ली ना तो यहाँ पे जो सई की कस्टडी है वो हमें मिल जाएगी और हर्ष ये केस हार जाएगा, यानी कि आशिका ये केस हार जाएगी। और ये बात जब हर्ष को पता चलती है तो उसके दिमाग में भी एक प्लान आता है। वो सई को सवि को भड़काने के लिए वापस से सई का इस्तेमाल करता है और उसे बोलता है कि तुम कभी भी रजत से शादी मत करना। उसे वो समझाता है कि अगर आशिका और जो हर्ष है सवि को समझाते हैं कि अगर तुमने रजत से शादी कर ली, और वो तुम्हें शादी कर ली इसलिए बोल रहे हैं ताकि उन्हें सई की कस्टडी मिल जाए, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके बस खुद की बच्ची को हासिल करना चाहते हैं। जिसके चलते सवि के मन में एक और गिल्ट बैठ जाएगा कि हाँ ये बात तो इनकी सही है, ये मेरे थ्रू अपनी बच्ची को पाना चाहते हैं। और ये सारी बातें हर्ष और आशिका सवि के मन में बैठाते थे, जिसके बाद सवि के मन में एक और हलचल हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ तो उसको रजत से शादी करनी होगी सही के लिए, जहाँ और दूसरी तरफ हर्ष और आशिका ने जो बातें उसके बोली है जिसके चलते वो शादी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पता चल गया है कि रजत उससे शादी क्यों करना चाहता है। हालांकि उसको पहले भी पता था, लेकिन इस बार जब आशिका और हर्ष ने आराम से उसको समझाया तो उसको और भी ज़्यादा पता समझ में आने लगी ये बात। अब देखना ये होगा सील में आगे कि यहाँ पर रजत से सवि शादी करेगी या नहीं, या फिर सही की कस्टडी किसके पास जाएगी। हालांकि कस्टडी तो यहाँ पे रजत के पास ही आने वाली है, लेकिन कैसे आएगी ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ पे कैसे सवि और रजत की शादी होगी ये जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जैसा सीरियल के अंदर माहौल चल रहा है तो उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रजत और सवि की शादी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आते ही एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हैं। अब देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन दोनों की शादी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है रजत के पापा शांतनु को बोलते हैं इन दोनों की शादी के बाद। और इसके बाद यहाँ पे सबसे मेन तो यहाँ पे ईशा है, यानी कि शांतनु की बीवी सवि की आई, यानी कि जो ईशा है वो कभी भी नहीं मानने वाली है सवि और रजत की शादी के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है भाग्यश्री और रजत के डैड वो कोशिश करने वाले हैं, और उसके बाद में वो मान भी जाएगी, और उसके बाद में उसे रियलाइज़ होगा कि अगर सवि और रजत की शादी हो जाती है तो वो अभी तो नहीं लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत खुश रहने वाले हैं। बाकी तुम लोग मेरे को बताओ कि लीप के बाद आपको शो कैसा लग रहा है, क्या आपको इस आंसर के जाने के बाद शो में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। क्योंकि यार बहुत सारे व्यूवर्स मेरे को कमेंट करके बता रहे हैं कि ये स्टोरी सेम टू सेम क्या ये है मोहब्बतें के सीरियल जैसी है, सीरियल के मेकर्स ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, जिसके चलते व्यूवर्स को कोई भी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और व्यूवर्स बोल रहे हैं कि पहले जिस स्टोरी को हम देख चुके उसको वापस से क्यों देखें, जिसके चलते शो की टीआरपी भी दिन ब दिन घटती जा रही है। क्योंकि पिछले हफ्ते जो अपडेट आया था सीरियल का उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि व्यूवर्स को शो पसंद ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन शो की टीआरपी घटती जा रही है। और इस हफ्ते तो फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते तो बिल्कुल भी गिर गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीरियल लिस्ट से भी बाहर हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि ब्रो ये सीरियल की टीआरपी घट क्यों रही है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, ईशान सर की डेथ के बाद सीरियल की टीआरपी घटी है। तो देखो यहाँ पे हुआ ये है कि ईशान सर जब थे सीरियल में और जब भौर पाटिल वाला सीन चल रहा था तो सीरियल अपने पीक पे था, एकदम टीआरपी हाई पे थी। लेकिन जैसे ही ईशान सर की डेथ हुई और न्यू लीप आया, उसके बाद से इस सीरियल की टीआरपी डगमगा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिस्ट से भी सीरियल बाहर हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी तुम लोग मेरे को बताना कमेंट करके कि आपको सीरियल कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं आपको बार बार पूछता रहता हूँ कि यार आप और कौन कौन से सीरियल देखना पसंद करते हो, ताकि उसके हिसाब से मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए और भी अलग अलग सीरियल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। तो आज से कुछ टाइम पहले मेरे को एक बंदे ने कमेंट करके बोला कि ब्रो अगर क्या होगा जब ईशान और सवि दोनों की शादी हो रही होगी, दोनों मंडप में होंगे और दोनों वरमाला पहनाते टाइम पे अपने ईशान और अक्का साहब की एंट्री हो जाए। तो ब्रो अगर ऐसा हुआ ना सीरियल के अंदर, तो सीरियल ने जो भी अपनी पॉपुलैरिटी और टीआरपी खोई है ना, वो एक एपिसोड के अंदर ही उस टीआरपी को वापस से गेन कर लेगा जो उसने कुछ महीनों में खोई है। मतलब कि वापस से सीरियल अपने पीक पर आ जाएगा उस एक एपिसोड की बदौलत, अगर ऐसा होता है तो। देखो अगर ईशान सर को मारना ही था मेकर्स को तो मार देते, लेकिन यार यहाँ पे पूरी की पूरी भोसले फैमिली को इन्होंने गायब कर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईशान सर को डेथ मार देते वो अलग बात थी कि चलो मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन उनको यहाँ पे भोसले फैमिली को गायब नहीं करना चाहिए था, पूरी की पूरी भोसले फैमिली को ही हटा दिया। अब इसको बार बार कम से कम किसी किसी एपिसोड में तो दिखाना चाहिए था, लेकिन पूरी के पूरे सभी के पास्ट को ही हटा दिया। अब कैसे सभी का पास्ट रजत को पता चलेगा वो जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो अपन को ये भी पता है कि सभी को भी रजत के पास्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, फिर भी वो उसके लाइफ में इंटरफेयर करती देती है, ये बहुत ही गलत बात है, सभी को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं समझती है।
बाकी हमें ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला, तो बने रहिएगा। और हाँ यार, वीडियो में कमेंट कर देना कि आप और कौन कौन से एपिसोड देखना पसंद करते हो, ताकि उसके हिसाब से मैं और भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। तो ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, और ये एपिसोड ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो आपको ये एपिसोड सीरियल देखना पसंद करते हैं, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपको एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।